आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंसिबल की सीरीज। तो एंसिबल एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन टूल है। इसको हम इंस्टॉल करके हम मल्टीपल सर्वर को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे एक मेरा कंट्रोल होता है कंट्रोल नोड, उसके अलावा मेरी मल्टीपल जितनी भी नोड्स हैं उनको मैं एक साथ अपने पास कॉन्फ़िगर कर लूँ, होस्ट में ऐड कर लूँ उन मल्टीपल नोड्स को, तो मैं एक साथ ही अपने मेन सर्वर से जो मेरी कंट्रोल नोड है वहाँ से मैं मल्टीपल जितने भी मेरे होस्ट हैं सबको मैं एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ये अगर हम देखें कि एंसिबल इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट टूल। इसी तरह है कि कॉन्फ़िगरेशन करनी है मल्टीपल सर्वर्स पे, उसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, आपने कोई अपाची इंस्टॉल करना है किसी सर्वर पे, मल्टीपल सर्वर पे इंस्टॉल करना है, या PHP इंस्टॉल करनी है, या कोई भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपने, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो आप उसको एक ही जगह कॉन्फ़िगर कर दें और जितने भी आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं सब पे एक साथ वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जो भी आपने जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी वो सारे सर्वर्स पे एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब सारे सर्वर्स पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो है ना लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए नहीं है अभी ये टूल। हाँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर चाहें तो इसमें एंसिबल से विंडोज़ और लिनक्स दोनों के सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एंसिबल जो सॉफ्टवेयर है, जो खुद सॉफ्टवेयर है एक एंसिबल, वो सिर्फ लिनक्स पे ही है, वो विंडोज़ पे नहीं है। तो आप लिनक्स के सर्वर पर किसी पे इंस्टॉल करके एंसिबल, हमने अपनी वीडियोज़ में देखा है कि एंसिबल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा ऊपर लिंक ऊपर रेफरेंस में, तो आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एंड इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लिनक्स के सर्वर से आप मल्टीपल लिनक्स के और विंडोज़ के सर्वर एक साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, अच्छा इसमें ये चीज़ के ये एंसिबल जो है ये रेड हैट का है प्रोडक्ट, ये रेड हैट का प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हम अगर देखें इसमें, तो जैसे हम पता चल रहा है ना कि एक मेरा सर्वर और ये मल्टीपल होस्ट को ये एक साथ कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है। इसमें प्लेबुक्स वगैरह होते हैं, मॉड्यूल्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसमें अच्छा जैसे ये है ना, एक तो चीज़ ये कि इसमें हम जो प्लेबुक्स लिखते हैं या फिर इसमें डिफरेंट जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम देखते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो हम होस्ट को मतलब कहने का कि ये मेरा एक कंप्यूटर है या एक सर्वर है जिस पे एंसिबल इंस्टॉल है, उसके अलावा ये मेरे मल्टीपल सर्वर्स हैं जिनको मैं इस एंसिबल के जरिए कॉन्फ़िगर करूँगा। तो ये जो मेरे मल्टीपल होस्ट है ना, ये कहलाएंगे मैनेज्ड नोड, और जो मेरा ये है सर्वर जिस पे मेरा एंसिबल इंस्टॉल है ये कहलाएगा मेरा कंट्रोल नोड, ठीक है। तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो होती है वो हम देख लेते हैं किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है और प्लेबुक वगैरह कैसे लिखते हैं। और ये जो यूज़ करता है वो SSH प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ करता है ना, तो सिंपली आपका सर्वर अगर दूसरे सर्वर को SSH कर पा रहा है तो एंसिबल आपका वर्क करेगा। और पाइथन यूज़ करता है ना, तो आपके सर्वर पे पाइथन होनी चाहिए इसकी प्रीरेक्ट में, तो ये SSH की सर्विस यूज़ करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, मैंने अपने तीन सर्वर मैंने अपने पास कॉन्फ़िगर किए हैं, जिसमें से एक मेरा जो सर्वर है वो है मेरा कंट्रोल नोड, जो कि ये वाला सर्वर जिसमें हम प्लेबुक्स वगैरह सारी लिखेंगे, ये मेरा कंट्रोल नोड सर्वर है, इसका मैंने नाम भी लिखा हुआ है कंट्रोल नोड। इसके अलावा मेरे जो ये डिफरेंट होस्ट है, सॉरी ये होस्ट है, इनके मैंने नाम लिखे हुए मैनेज नोड 1 और मैनेज नोड 2, दो सर्वर हैं, ठीक है। ये जो सर्वर है ना QA UAT प्रोडक्शन डेव, ये चार सर्वर ना जिस तरह ये लोग, ये तो चार बने हुए, लेकिन इसी तरह मैंने जितने भी होंगे उनके नाम इस तरह से आ जाएंगे, वो सारे कहलाते हैं मैनेज नोड। तो अब हम काम कर लेते हैं, इससे हम इंस्टॉलेशन करके देख लेते हैं, यहाँ से इस पे मतलब कुछ कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। तो मैंने इसका होम के अंदर एक एंसिबल के नाम से फोल्डर बनाया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये एंसिबल कॉन्फिग और एंसिबल होस्ट टच की कमांड से ये दो फाइल्स क्रिएट कर देनी है, ठीक है। टच कॉन्फिग और टच एंसिबल होस्ट, किसी भी फोल्डर में आपने, जिस फोल्डर में आपने पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मतलब सारी इसकी प्लेबुक्स और सारी इसकी चीज़ें रखनी है, वहाँ एक फोल्डर बना के वहाँ पे ये दो फाइलें क्रिएट कर देनी है, ठीक है। अब इन फाइल्स में क्या होगा हम देख लेते हैं। पहले है हमारे पास एंसिबल कॉन्फिग की फाइल, ठीक है। इसको मैं बिन करता हूँ, इसको बिन किया मैंने,
इसमें अब इसमें ये डिफॉल्ट ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको, फिलहाल आप इसको अभी ऐसे ही रहने, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे जिस यूज़र से कनेक्ट करना है दूसरे सर्वर को, मतलब मुझे दूसरे सर्वर को जो SSH करना है, SSH कैसे करते हैं, उसमें कौन सी पब्लिक की और प्राइवेट की किस तरह से यूज़ होती है, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप रेफरेंस का ऊपर से लिंक निकाल के वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। हमारी पब्लिक की और प्राइवेट की दो कीज़ होती हैं। हम पब्लिक की अपनी जिस सर्वर में हमें लॉग इन करना है विदाउट पासवर्ड, वहाँ पर जाके उसके ऑथोराइज की के अंदर हम वो अपनी पब्लिक की पेस्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसको SSH करते हैं तो हम विदाउट पासवर्ड उसके अंदर लॉग इन कर जाते हैं, ठीक है। और यूजर जो हमने डिफाइन किया हो, जिस यूजर से हमने बनाई हो, वो SSH की उस यूजर का नाम आएगा। ये चीजें हो गई हमारी रूट यूजर, मतलब मुझे किस यूजर से उस सर्वर में लॉग इन करना है, सही है, मैंने रूट कर लिया। इसके बाद मैंने बता दिया प्राइवेट की, जो मेरी प्राइवेट की है, जिस प्राइवेट की से मैं उस सर्वर में लॉग इन करूंगा, मेरी पब्लिक की वहाँ पे ऑथोराइज की के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं इस प्राइवेट की का अपना यहाँ से पाथ दे दूंगा, यहाँ से ही पाथ लेगा और उस सर्वर के अंदर लॉग इन कर लेगा। उसके बाद ये मुझे कह रहा है होस्ट की चेकिंग फॉल्स, मतलब जब मैं किसी भी सर्वर के अंदर फर्स्ट टाइम लॉग इन करता हूँ तो मुझसे यस नो का पास वो पूछता है, प्रॉम्प्ट आता है मेरे पास, मतलब कि मुझे नोन होस्ट में ऐड करना है कि नहीं करना, तो मैं उसको यस करता हूँ या नो करता हूँ, जो भी करता हूँ यस करता हूँ, वैसे मैं नॉर्मली ये सभी यस करते हैं, तो लेकिन वो प्रॉम्प्ट आता है, तो प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे कहाँ से इसको हैंडल करें, तो हम उसको बता देते हैं आप प्रॉम्प्ट दो ही नहीं, मुझे फॉल्स कर देते हैं हम उसको, ठीक है। ये हमने ये सेटिंग इसमें फॉल्स की हुई है। इसके बाद रीट्राई फाइल, हमने अगर कोई एंसिबल की कमांड रन की है लेकिन वो फेल हो गई, तो वो मल्टीपल उसको ट्राई करने की कोशिश करता है, रीट्राई करने की कोशिश करता है एंसिबल, तो हमने बताया है कि आप ट्राई नहीं करो, आप फॉल्स कर दो उसको। अच्छा, ये अब मुझे कह रहा है कि इंटरप्रेटर पाइथन ऑटो साइलेंट, मतलब जब मैं रन करता हूँ तो मुझे कुछ वार्निंग्स आती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको हम कमेंट कर देंगे तो मुझे कुछ वार्निंग्स आएंगी, फिर मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो वो वार्निंग साइलेंट हो जाएंगी। तो सिंपली पहले तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये क्या होता है, कि आपको अगर मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से मिलेगी, तो हमें क्या करना होता है, हमें जाना है, अगर मैं पहले हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। SSH की जैन माइनस टी टाइप आर एस ए, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ, लेकिन मैं बस ऐसी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए और टाइम भी हमें यहाँ पे समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। आप इसको एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे यस करते रहेंगे तो वो इस डायरेक्टरी में जाके, अगर आप रूट से लॉग इन है तो वो इस डायरेक्टरी में जाके कुछ फाइल्स क्रिएट कर देगा, ये फाइल्स क्रिएट कर देगा जो हमने अभी रन किया था ना ऊपर, ये टूल SSH की जाएंगे, ये कुछ फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी ये जो पब्लिक की है इसको कैट करके, जो मेरे दूसरे सर्वर हैं जहाँ पे मुझे मैनेज करना है जिनको नोड वन, उनके अंदर भी इधर ही जाना है, रूट डॉट SSH। अब यहाँ पे मुझे एक फाइल दिखेगी ऑथोराइज की, ठीक है, इसको मैंने कैट करना है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लें इसको, विम से क्रिएट कर लें, विम करके इसको ऐसे क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट भी हो जाएगी, ठीक है, क्रिएट कर लें। और यहाँ पे अपनी जो हमने यहाँ से की निकाल दी ना कंट्रोल नोड की, जो कैट कराई थी पब्लिक की, इसको पकड़ें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, वही पेस्ट हुई है, ठीक है, बस आपने इतना करना है। तो ये आपकी जो है, जब आप ये रन करेंगे एनसीबल की, इससे इस आईडी से आपकी फिर ये लॉगिन हो जाएगी, आप इसका पाथ देंगे वहाँ पे एनसीबल के अंदर, जो हमने अभी फाइल में पाथ दिया था ना एनसीबल एनसीबल डॉट कॉन्फिग, हमने जो पाथ दिया था वो इसी जगह का पाथ था, ये वाली भी फाइल का, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे वो कर दूँ सीवी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ SSH, ये मैं इस डायरेक्टरी पर कराऊँ और मैंने ये किया तो मैं यहीं पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वही कंटेंट पड़ा हुआ है, ये चीज़ है ना, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो यही है, मेरी प्राइवेट की है, ये मेरी प्राइवेट की है, बस आपने इसका लिंक देके, मतलब कहने का इसका पाथ सिलेक्ट करके बस यहाँ पे राइट करना होता है अपने पाथ से, तो वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। वैसे मैंने अपनी पूरी वीडियो में पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे इसको कैसे कंफिगर करना है, तो आप रेफरेंस में वो वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कंट्रोल नोड की पब्लिक की मैंने मैनेज नोड वन पे भी रख दी,
मैनेज नोड 1 की भी ऑथराइज की मैं रख दी और मैनेज नोड 2 की भी ऑथराइज की मैंने पब्लिक की रख दी सेम कंट्रोल नोड की, ताकि मेरा ये कंट्रोल नोड दोनों पे विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर जाए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इन्वेंट्री जो हमने, इसमें एक चीज़ हमने देखी थी, जो हमें दिखी थी यहाँ पे इन्वेंट्री, ठीक है, ये क्या होता है? इन्वेंट्री ये होता है कि आपके होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कहने का जो जो नोड्स अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी पूरी सेटिंग, उसकी मतलब पूरी डेफिनेशन कि वो कौन सी नोड्स होंगी, उनकी आईपी क्या होगी, उनके नाम क्या होंगे, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेंट्री फाइल में। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल बोलते हैं इसको, जैसे मैंने ये फाइल बनाई हुई ना, जैसे मैंने भी आपसे सबसे पहले कहा था कि टच करके ये दो फाइल बना दें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम ये चीज़ मैप कर देते हैं। डॉट का मतलब है कि इसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है Ansible होस्ट की फाइल, आपने ये वाली होस्ट फाइल का रेफरेंस देना है यहाँ पे। सिंपली आपने भी ऐसे ही लिखना है अगर आपने फोल्डर में, सेम फोल्डर में क्रिएट किया है, अदरवाइज आप इसका डिफरेंट पाथ दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी Ansible होस्ट की फाइल और ये कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको बता दी इन्वेंट्री मेरी ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इन्वेंट्री में देखना है इन्वेंट्री में क्या है। सही है, अब हम जाते हैं Ansible होस्ट के अंदर। Ansible होस्ट के अंदर हमने जाके देखा कि भाई इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब सिंटैक्स देख लेते हैं। ये देखें, ये इस ग्रुप का नाम है, ऐसे ग्रुप का नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा है ग्रुप, मैंने ग्रुप का नाम लिखा हुआ है लिस्ट, ये मेरा ग्रुप का नाम है। अब उस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं, ये उनके नाम है, और मतलब ये उनके नाम है यहाँ तक, और ये उनकी एनसीपल होस्ट के साथ आई पी आई आई टी है, ठीक है। अब मेरे जो दो सर्वर है ना, जो नोड 1 और